जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट दो को देखने वाले हैं। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने दोस्तों प्रैक्टिस सेट वन को ऑलरेडी देख रखा है, तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना न भूलें। तो चलिए दोस्तों आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ इस डिस्कशन की स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा हस्तांतरण के दौरान उपयोग की जा सकने वाली ऊर्जा का लगभग खाली प्रतिशत नष्ट हो जाता है और लगभग ऊर्जा का केवल खाली प्रतिशत ही अगले स्तर तक पहुंच पाता है। तो याद रखना है कि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा हस्तांतरण के दौरान की जा सकने वाली ऊर्जा का लगभग 90% जो है नष्ट हो जाता है और उपलब्ध ऊर्जा का केवल 10% ही अगले स्तर तक पहुँच पाता है। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि एक पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में जीवों का अंतिम समूह जीवाणु और कवक है, जिन्हें क्या कहा जाता है। तो जीवाणु और कवक को क्या कहा जाता है, तो इन्हें अपघटक कहा जाता है, याद रखना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट है कि भारत में उचित पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए वन आच्छादन के लिए अनुशंसित न्यूनतम भूमि क्षेत्र क्या है। तो अनुशंसित न्यूनतम भूमि क्षेत्र कितना है दोस्तों, तो यह है 33%। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है। तो स्नेहक के रूप में हम लोग किसका उपयोग करते हैं, तो ग्रेफाइट का उपयोग हम लोग स्नेहक के तौर पर करते हैं। नेक्स्ट है कि एल्युमिनियम की सतह अक्सर जो है एनोडाइज होती है, इसका अर्थ निम्नलिखित में से किसके परत का निक्षेपण है। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड के परत का निक्षेपण माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र धातु नहीं है। आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा मिश्र धातु नहीं है, तो जिंक जो होता है वह मिश्र धातु नहीं है। जिंक का एटॉमिक नंबर आपको याद रखना है, जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 30 होता है। नेक्स्ट है कि गैल्वनीकरण की प्रक्रिया में किस धातु को लोहे पर लेपित किया जाता है। इजी सवाल है, तो गैल्वनाइजेशन में हम लोग जिंक के धातु को लोहे पर क्या करते हैं, लेपित करते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1। नेक्स्ट है, संक्षारण किसके परिणाम स्वरूप होता है। तो संक्षारण जो है केवल रासायनिक अभिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप क्या होता है, कोरोजन होता है। इंग्लिश में से क्या कहा जाता है संक्षारण को, कोरोजन। तो यह होता है रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट है कि हमारे घर में विद्युत उपकरण खाली स्थान जुड़े होते हैं। तो हमारे घर में जो विद्युत उपकरण जुड़े होते हैं वह स्रोत के साथ समानांतर श्रेणी में जुड़े होते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, दाब की इकाई क्या है। तो दाब बराबर क्या होता है, प्रेशर बराबर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो न्यूटन फोर्स का क्या होता है, SI यूनिट न्यूटन होता है, और एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर इसका हो जाएगा, यानी न्यूटन पर वर्ग मीटर। राइट आंसर की बात करें तो इसका आंसर होगा क्या, ऑप्शन 1। नेक्स्ट है, किसी पेड़ की आयु किसके द्वारा निर्धारित की जा सकती है। तो किसी जो पेड़ की आयु है वह संकेंद्रित वलयों की संख्या की गणना करके हम लोग ज्ञात कर सकते हैं किसी पेड़ की आयु। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट है, मानव शरीर में एल्वियोली गुब्बारे जैसी संरचना जो खाली स्थान के भीतर मौजूद होती है। तो एल्वियोली जो सैक्स पाया जाता है दोस्तों, वो कहाँ पर पाया जाता है, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो यह लंग्स में यानी फेफड़े में पाया जाता है। नेक्स्ट है, मेरा देश मेरा जीवन नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है। तो मेरा देश मेरा जीवन पुस्तक के रचनाकार हैं लाल कृष्ण आडवाणी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस रेडियो आइसोटोप का उपयोग रक्त कैंसर यानी ल्यूकेमिया के उपचार में किया जाता है। तो ल्यूकेमिया के उपचार में हम किसका उपयोग करते हैं दोस्तों, याद रखना है कोबाल्ट-16 का उपयोग हम लोग कैंसर के उपचार के लिए करते हैं। रक्त कैंसर के उपचार में हम लोग कोबाल्ट-16 का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। सूक्ष्म पोषक तत्व की बात यहाँ पर की जा रही है दोस्तों, तो कौन सा नहीं है, याद रखना है सोडियम जो है
वो पौधों के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है, जबकि जिंक और बोरोन ये दोनों जो हैं पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व के रूप में आवश्यक माने जाते हैं। नेक्स्ट है कि नीचे वायु से जुड़े कुछ कथन दिए गए, इन्हें पढ़िए और दिए गए कुट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। 76 का है कि गतिशील पवन वायु कहलाती है, वायु गर्म होने पर फैलती है। तीसरा है वायु केवल कम वायु दाब वाले क्षेत्र से उच्च वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर चलती है। राइट आंसर आपसे पूछा जा रहा था, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना है कि गतिशील पवन जो है वायु कहलाती है, बिल्कुल सही है। वायु गर्म होने पर क्या होती है, फैलती है, यह भी सही है। वायु केवल कम वायु दाब वाले क्षेत्र से उच्च वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर चलती है, यह स्टेटमेंट गलत है। यह चलता है कैसे दोस्तों, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर यह चलता है, याद रखना है आपको। तो यह तो स्टेटमेंट गलत हो गया। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन। नेक्स्ट है पीचर प्लांट, जिसे हम लोग घटपर्णी के भी नाम से जानते हैं, विषम पोषी क्यों होते हैं? ये पूछा जा रहा है कि पीचर जो प्लांट पौधे होते हैं वह विषम पोषी क्यों होते हैं? तो यह क्यों होते हैं, इन्हें मृदा से नाइट्रोजन नहीं मिलता, इसलिए ये क्या होते हैं दोस्तों, कीटों का भक्षण करके नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं, याद रखना है आपको। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थ्री। नेक्स्ट है चांगपा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछा जा रहा है चांगपा के बारे में, तो याद रखना है कि चांगपा घुमंतु लोग हैं, बिल्कुल सही है। बकरियाँ ही इनकी सबसे बड़ी पूंजी है, यह भी सही है। यह हमेशा एक जगह पर टिककर रहने वाले जनजाति है, तो यह स्टेटमेंट गलत है दोस्तों, कि यह एक जगह टिककर ही रहने वाली जनजाति है, यह स्टेटमेंट गलत है। यह क्या करते हैं, जगह जगह पर घुमा करते हैं, घुमंतु लोग ये होते हैं, याद रखना है। राइट आंसर की बात करें, असत्य पूछा जाता तो ऑप्शन थ्री जो है असत्य है। नेक्स्ट है बिहार राज्य की सीमा से किस देश की सीमा जुड़ी है? तो बिहार राज्य की सीमा से किस देश की सीमा जुड़ी हुई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। बिहार राज्य की जो सीमा किस देश से लगी हुई है, तो याद रखना है नेपाल से लगा हुआ है, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है विशाखापत्तनम में 3 फरवरी 2024 को भारत के पहले सर्वेक्षण पोत को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया, इस पोत का नाम क्या है? तो इस पोत का नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो इस पोत का नाम है INS संधायक, याद रखना है INS संधायक जो है इस पोत का नाम है। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन? भारतीय पूछा जा रहा है, याद रखना है। तो स्वतंत्र भारत के पहले एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन थ्री इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है वह नेता जिसे जेल से रिहा होने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया सत्र 1922 में इस संस्था का अध्यक्ष चुना गया, वह कौन थे? तो ये कौन थे दोस्तों, तो ये थे काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी हैं, ये CR दास यानी चित्रंजन दास। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थ्री। नेक्स्ट है खरपतवार के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। खरपतवार के बारे में आपको सही कथन चुनना है। खरपतवार जो है बिना बोए अपने आप ही उग जाते हैं, बिल्कुल सही है। खरपतवार को खेत से निकाला जाना जो है दोस्तों वह बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल सही बात है कि खरपतवार को खेत से निकालना जरूरी है, यह भी सही है, यह भी सही है। खरपतवार फसल के लिए दिए गए खाद पानी का उपयोग कर फसल की उपज कम कर देते हैं, और खरपतवार जो है दोस्तों खरपतवार फसलों की उपज को प्रभावित नहीं करते, तो डी तो गलत हो गया दोस्तों, खरपतवार जो है फसल की उपज को क्या कर देते हैं, ये प्रभावित करते हैं। राइट आंसर की बात करें तो 83 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 83 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, खरपतवार बिना बोए अपने आप ही खेतों में उग जाते, बिल्कुल सही। खरपतवार को खेत से निकालना जरूरी होता है, बिल्कुल सही है। और खरपतवार फसल के लिए दिए गए फसल खाद पानी का उपयोग कर फसल की उपज कम कर देते, यह भी स्टेटमेंट सही है। राइट आंसर इसका हो जाएगा क्या, इसका राइट आंसर हो जाएगा थ्री, ए बी सी तीनों सही है। नेक्स्ट है कि अगर आपके कपड़ों ने आग पकड़ ली तो सुरक्षा की दृष्टि से इनमें से क्या सही नहीं है? सुरक्षा की दृष्टि से बोला जा रहा है दोस्तों, तो आप जहाँ हैं वहाँ रुक जाएंगे, बिल्कुल यह जो है दोस्तों सही है कि आप जहाँ हैं वहाँ रुक जाएंगे। अपने हाथ से अपना चेहरा ढक कर लुढ़किएगा, यह भी सही है। चारों तरफ दौड़ना शुरू कर देंगे, तो यह स्टेटमेंट गलत है दोस्तों, कि जब आपके कपड़ों में आग पकड़ लेगा तो आप चारों तरफ जो है दोस्तों दौड़ना शुरू कर देंगे, यह स्टेटमेंट गलत दिया गया है। राइट आंसर की बात करें तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, थ्री इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है राज्य द्वारा संचालित स्कूल
किस लिए कुट की मदद से सही उत्तर का राज्य द्वारा संचालित स्कूल किस लिए हैं, कुट की मदद से सही उत्तर का चयन आपसे पूछा जा रहा है कि सही आंसर इसका क्या होगा। तो 85 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 85 का याद रखना है राइट आंसर की अगर हम बात करें तो, ताकि यहाँ पर राज्य द्वारा जो संचालित स्कूल है क्यों संचालित किया जाता है, ताकि सभी बच्चों को पढ़ने लिखने का अवसर मिल सके, बिल्कुल सही है। ताकि सिर्फ कुछ समुदाय के लोग को पढ़ने लिखने का, ये तो गलत हो गया, सभी के लिए सरकार काम करती है। ताकि सिर्फ गरीबी रेखा के नीचे जीवन निर्वाह करने वाले अमीरों परिवारों के जो बच्चे हैं वो उनको अच्छी शिक्षा मिल सके, इसके लिए भी नहीं किया जाता, सभी के लिए सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली को अपनाया जाता है राज्य सरकार के द्वारा, याद रखना है। ताकि सभी को एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखने का अवसर मिल सके, ये स्टेटमेंट सही है दोस्तों। तो इसमें कौन कौन सा करेक्ट है, ए और जो डी है दोस्तों वह परफेक्ट है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट है कि वह भारतीय देशभक्त जिनकी जेल में भूख हड़ताल के कारण मृत्यु हो गई थी कौन थे, तो ये थे दोस्तों जतिन दा, इनको बाघा जतिन भी कहा जाता है, याद रखना है। और भूख हड़ताल के कारण जो है दोस्तों इनकी जेल में ही मृत्यु हो गई थी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट है बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, कल भी मैंने बताया था बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो श्री कृष्ण सिंह जो थे बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट है शेरशाह का मकबरा कहाँ अवस्थित है, तो शेरशाह का मकबरा जो है दोस्तों यह कहाँ पर अवस्थित है, तो यह है सासाराम में अवस्थित। नेक्स्ट है प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है, याद रखेंगे। और प्रयाग प्रशस्ति जो है दोस्तों वह किनके बारे में उल्लेख करता है, तो समुद्रगुप्त के विजयों के बारे में उल्लेख करता है, कौन है इसके लेखक आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। नेक्स्ट है 90 नंबर जो क्वेश्चन है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश का प्रचलित नाम क्या है, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। और दक्षिणी अक्षांश को हम लोग 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं, तो मकर रेखा के नाम से जानते हैं। भूमध्य रेखा क्या है, तो 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है दोस्तों उसे हम लोग भूमध्य रेखा के नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट है तारों की दूरी मापी जाती है, तो तारों की जो दूरी है दोस्तों वह प्रकाश वर्ष से मापी जाती है, राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट फूली हुई पूरी तेल में तैरती है क्योंकि, तो फूली हुई जो पूरी होती है वह तेल में क्यों तैरती है, तो पूरी में वाष्प भरा होता है, इस कारण जो है दोस्तों फूली हुई जो पूरी होती है वह तेल में तैरती है। नेक्स्ट कुछ प्लास्टिक ऐसे हैं जिन्हें एक बार सांचे में ढाल दिया जाता है तो उन्हें उष्मा देकर गर्म नहीं किया जा सकता, ऐसे प्लास्टिक कहलाते हैं, तो ऐसे प्लास्टिक को क्या कहा जाता है, तो ऐसे प्लास्टिक को कहा जाता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और ये VVI सवाल है दोस्तों, ध्यान में रखना है आपको, आपको बताना है कि थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण यानी एग्जांपल बताना है कौन कौन से है, और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के उदाहरण कौन कौन से हैं, और थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण कौन कौन से हैं, थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक इन दोनों का उदाहरण जो है दोस्तों आपको मुझे कॉमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। नेक्स्ट है कि एक मनुष्य दीवार पर बल लगाकर उसे विस्थापित करने में असमर्थ होता है तब वह क्या होगा, आपसे पूछा जा रहा है, तब वह जो है दोस्तों कोई कार्य नहीं करता है, याद रखना है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट है टीवी से बचने हेतु कौन सा टीका सही है, तो टीवी से बचने के लिए हम लोग कौन सा टीका लगवाते हैं दोस्तों, तो BCG का टीका हम लोग लगाते हैं, राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट है निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और कुट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए, सही उत्तर का चयन करने के लिए आपसे बोल रहा है कि सूक्ष्म जीव, बोल रहा है दोस्तों कि सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन से खाद्य विषाक्त हो सकता है, बिल्कुल सही है। और है हमारा तेज धूप में रखी ब्रेड पर कवक आक्रमण कर देते हैं, तीसरा है तेल एवं सिरके में जीवाणु रह सकते हैं इसलिए इनका उपयोग अचार को संदूषण से बचाने के लिए किया जाता है। चौथा है हमारा कि जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए मांस तथा मछली को सूखे नमक से ढक देते हैं, तो यह स्टेटमेंट सही दिया गया दोस्तों। और यहाँ पर जो है तेज धूप में रखी ब्रेड पर कवक आक्रमण करते हैं, नहीं, तेज धूप में जब हम ब्रेड को रख देंगे तो उस पर कवक का अटैक नहीं होगा, फंगी का अटैक नहीं होगा। तेल एवं सिरके में जीवाणु रह सकते हैं, यह स्टेटमेंट गलत है, तेल और सिरके में जीवाणु नहीं रह सकते हैं, इसलिए जो होता है दोस्तों तेल एवं सिरके का प्रयोग हम लोग अचार को संदूषण से बचाने के लिए करते हैं, राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1 और D ही सही है।
यानी ऑप्शन थ्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिश्नोई जनजाति भारत के किस राज्य में निवास करती है? तो बिश्नोई जनजाति जो है भारत राजस्थान राज्य में निवास करती है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थ्री। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है आपसे पूछा जा रहा है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, कहाँ पर होता है? तो मेघालय के मासिनराम में जो है दोस्तों सबसे सर्वाधिक वर्षा होता है, याद रखना आपको। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मौसम की कौन सी स्थिति बैरोमीटर पढ़ने में अचानक गिरावट से संकेतित है? तो बैरोमीटर का जब पाठ्यांक जो है अचानक गिर जाता है तो इसका क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है तूफानी मौसम। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन है कि जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। बिल्कुल सही है कि जब एक ही किस्म के जो पौधे हैं किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? फसल कहा जाता है। सेकंड है हमारा कि गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे जो हैं गेहूं के हैं। बिल्कुल सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही दिया गया है। वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है रबी फसल होता है, या रबी फसल नहीं होता, या क्या होता है? खरीफ की फसल होती है दोस्तों, याद रखना है। शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें खरीफ होती है, तो ये शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें जो होती है खरीफ नहीं बल्कि रबी फसल होती है। राइट आंसर की बात करें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन, यानी ए और बी ही केवल सही दिए गए। नेक्स्ट है, नोवाक जोकोविच किस खेल से संबंधित है? तो नोवाक जोकोविच जो है टेनिस खेल से संबंधित है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थ्री। नेक्स्ट है कि घेंगा रोग में व्यक्ति के खाली स्थान पर सूजन आ जाता है, तो व्यक्ति के गर्दन में क्या आ जाता है दोस्तों? गले में सूजन आ जाता है घेंगा रोग के कारण, और यह किसकी कमी के कारण से होता है? तो याद रखना है आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है, ये पॉइंट याद रखेंगे। नेक्स्ट है, किस शहर में लिंगराज मंदिर स्थित है? तो लिंगराज जो मंदिर है उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन। अभिकथन से रिलेटेड सवाल यहाँ पर दिया गया है, अभिकथन और कारण से रिलेटेड। अभिकथन है कि ध्रुवीय भालू के शरीर पर बालों की एक मोटी परत होती है। कारण है ध्रुवीय भालू के बाल उन्हें कड़ाके की ठंड से बचाते, तो बिल्कुल सही, अभिकथन सही और कारण अभिकथन की क्या कर रहा है? सही व्याख्या भी कर रहा है। राइट आंसर की बात करें तो 104 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 104 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, किसी ठोस पदार्थ के सीधे वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है सब्लिमेशन। जैसे कैम्फोर हो गया जिसे हम लोग कपूर के नाम से जानते हैं दोस्तों, तो कैम्फोर क्या होता है? सीधे ठोस से क्या हो जाता है? वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं, यानी उदातीकरण कहते हैं। नेक्स्ट है, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जिन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है किस देश से संबंधित है? इंपॉर्टेंट सवाल है, VVI सवाल है, कर लेंगे इसको। तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका देश से संबंधित है, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग। नेक्स्ट है, भारत पाकिस्तान सीमा रेखा का संदर्भ है तो यह कौन सा है? तो यह रेड क्लिफ है। भारत और चीन के बीच कौन सा है? तो यह मैकमोहन रेखा है। भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सा है? तो भारत और अफगानिस्तान के बीच जो रेखा खींची गई है वह डूरंट रेखा है, याद रखेंगे। रेड क्लिफ का खींचा गया था 1947 में, याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट है, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट में कुल अनुमानित व्यय कितना है? तो वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट में कुल अनुमानित जो व्यय है वह कितना है? 47,65,768 करोड़ रुपये। यह जो है वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कुल अनुमानित व्यय है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुआ में गंगा में मिलती है? इंपॉर्टेंट है, बिहार से रिलेटेड यह सवाल है। तो फतुआ के निकट गंगा में कौन मिलती है? तो पुनपुन नदी। पुनपुन नदी जो है गंगा से फतुआ में जाकर मिलती है। नेक्स्ट है, बिहार के किस स्थान पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित देश के सबसे बड़े बापू टावर का उद्घाटन 4 जनवरी 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया? राइट आंसर हो जाएगा पटना के गर्दनी बाग में। नेक्स्ट है, प्रोफेसर अमर सेन का संबंध निम्नलिखित में से किस उपागम से है? तो किस उपागम से संबंधित है प्रोफेसर अमर्त सेन का? इन्हें याद रखना है कि 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार इन्हें दिया गया था, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो क्षमता उपागम से ये संबंधित हैं प्रोफेसर अमर्त सेन।
नेक्स्ट है, स्वस्थ मनुष्य का हृदय एक मिनट में लगभग कितनी बार धड़कता है? तो स्वस्थ मनुष्य का जो हृदय एक मिनट में 72 बार धड़कता है। नेक्स्ट है, तड़ित संचालक ऊंचे भवनों को बचाता है। तो तड़ित जो संचालक होता है ऊंचे भवनों को बचाता है। राइट आंसर की बात करें तो किससे बचाता है? तो आसमान से पैदा होने वाले बिजली से यह बचाता है, तड़ित चालक। और यह किसका बना होता है? याद रखना है, तांबे का। नेक्स्ट है, बायोगैस है। तो बायोगैस क्या है याद रखेंगे? बायोगैस जो है मीथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है, यह कहलाता है क्या? बायोगैस। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सभी को मालूम होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष के नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट है, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो किसी राज्य के राज्यपाल की जो नियुक्ति है वह भारत के राष्ट्रपति करते हैं। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अभिकथन और कारण से रिलेटेड सवाल दिया गया है इसमें। अभिकथन है कि कभी कभी जुलाई से पहले खेतों में खाद डाली जाती है, बिल्कुल सही है। और जुलाई के समय खाद डालने से खाद जो है मिट्टी से भली भांति मिल जाती है, यह स्टेटमेंट सही है। तो अभिकथन भी सही है और कारण भी सही है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, कभी कभी जुताई से पहले खेतों में खाद डाली जाती है, बिल्कुल सही है। और जुताई के समय खाद डालने से खाद मिट्टी में भली भांति मिल जाती है, बिल्कुल सही है। जुताई से पहले हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, खाद मिट्टी में डाल देते हैं। क्यों डाल जाता है? ताकि जो खाद है दोस्तों मिट्टी में अच्छी तरीके से मिल जाए। तो कथन भी सही है और कारण भी सही है। कारण जो है दोस्तों कथन की सही व्याख्या करा है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट है, भारत में अंतरिक्ष प्रणाली से संबंधित स्थलों के युग्मों में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा सही है? तो इसरो उपग्रह केंद्र जो है श्री हरिकोटा, इसरो उपग्रह केंद्र जो है श्रीहरिकोटा में, यह स्टेटमेंट गलत है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है तिरुवनंतपुरम में है, यह स्टेटमेंट सही है दोस्तों कि विक्रम साराभाई जो अंतरिक्ष केंद्र है वह कहां पर है? वह तिरुवनंतपुरम में। उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र जो है वह हैदराबाद में, यह भी स्टेटमेंट जो दिया गया दोस्तों इसमें गलत दिया गया है। नेक्स्ट है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कहां निर्वासित किया गया था? तो यह रंगून में निर्वासित इन्हें कर दिया गया था, बहादुर शाह जफर को। जफर नाम से ये कविताओं की रचना करते थे, ये भी पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट है, विश्व में कौन सा पठार सबसे ऊंचा है और सबसे जटिल है? तो यह है तिब्बत का पठार। किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य है? तो याद रखना है हिंदू कुश और कुनलून। कुनलून पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है दोस्तों यह तिब्बत का पठार। नेक्स्ट है, ऊष्मा विकिरण को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ऊष्मा विकिरण को मापने के लिए हम लोग कैलोरी मीटर का उपयोग करते हैं। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, सामान्यतः चींटियां एक सीधी रेखा में गमन करती, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण क्या है? गंध के कारण। गंध छोड़ती जाती है और उसी को फॉलो करते हुए अन्य चींटियां जो है दोस्तों आती हैं। नेक्स्ट है, भारत के सबसे बड़े किले का नाम बताइए। तो भारत का सबसे बड़ा जो किला है वो चित्तौड़गढ़ का किला है। राणा कुंभा ने इसका निर्माण कराया था। कल भी हम लोगों ने देखा था कि इब्राहिम मलिक को हराने के बाद जो है चित्तौड़गढ़ के किले का निर्माण राणा कुंभा के द्वारा कराया गया था चित्तौड़गढ़ में। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, सिजीगी क्या है? तो सिजीगी क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखेंगे, सिजीगी जो है सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में स्थिति को क्या कहा जाता है? सिजीगी कहा जाता है। तो इम्पॉर्टेंट है कि सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक ही स्थिति रेखा में स्थिति को क्या कहा जाता है? सिजीगी कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा 124 का 1। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए? तो कौन सा संविधान संशोधन बोलता है? तो याद रखें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 5, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा संविधान ग्राम पंचायत में? तो यह किससे है? तो 73वें संविधान संशोधन से है दोस्तों। कब हुआ था? 1992 में। और इसमें कहा गया था क्या कि ग्राम पंचायतों में महिलाओं को जो है महिलाओं के लिए 1/3
तीन सीटें जो हैं यानी एक तिहाई सीटें आरक्षित होंगी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कौन से महासागर पनामा नहर से जुड़ते हैं? तो पनामा नहर से जुड़ने वाले महासागर कौन से हैं, याद रखना है, अटलांटिक और प्रशांत महासागर जो हैं पनामा नहर से जुड़ते हैं। नेक्स्ट, किस अंग्रेज ने पहली बार भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? इंपॉर्टेंट सवाल है। तो चार्ल्स विल्किंसन के द्वारा भागवत गीता का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया गया था और ये पहले अंग्रेज थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक ने आधुनिक तर्ज पर विदेशों में अपना दूतावास खोला था? तो आधुनिक तर्ज पर विदेशों में अपना दूतावास खोलने वाले कौन थे? तो ये थे टीपू सुल्तान। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, यह आया हुआ है, ये सब क्वेश्चन याद रखना है। नेक्स्ट, मधुबनी चित्रकला के बारे में कुछ वक्तव्य दिए गए, इनमें से सही कथन का चयन कीजिए। सही कथन आपको चुनकर बताना है। यह बिहार की प्रसिद्ध चित्रकला है, बिल्कुल सही है। और इस चित्रकला को बनाने में पीसे हुए चावल और रंगों का प्रयोग करता है, यह भी सही है कि यह बिहार की प्रसिद्ध चित्रकला है और चित्रकला को बनाने में हम लोग पीसे हुए चावल एवं रंगों का प्रयोग करते हैं। इस चित्रकला की विषय वस्तु केवल पुरुषों पर केंद्रित है, यह गलत है। इस चित्रकला की जो विषय वस्तु है दोस्तों पुरुषों पर केंद्रित है। इस चित्रकला को बनाने में केवल पुरुष ही हैं, गलत है, महिलाएं भी हैं। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मतलब ऑप्शन वन। जैसे संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य अपनी मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है? तो किस अनुच्छेद के तहत है यह? तो यह है अनुच्छेद 350A। कल भी हम लोगों ने इस क्वेश्चन को देखा था। नेक्स्ट है कथन से रिलेटेड सवाल। कथन एक है कि निम्न दाब पर कार्बन डाइऑक्साइड द्रव के रूप में सिलेंडर में भरी जाती है, यह है 131 का। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि निम्न दाब पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बल्कि हाई प्रेशर पर यह भरा जाता है। एक तो गलत हो गया। सेकेंड है हमारा कि सिलेंडर से छोड़े जाने पर CO2 बहुत अधिक फैलती और ठंडी हो जाती है। तो यह सही है दोस्तों कि सिलेंडर से छोड़े जाने पर CO2 बहुत अधिक फैलती और ठंडी हो जाती है। राइट आंसर की बात करें तो 131 का राइट आंसर हो जाएगा। कथन एक गलत है परंतु कथन दो जो है सही है। नेक्स्ट है सूची वन को सूची दो से मिलान करना। तो एनीमोमीटर, तो हवा का वेग हम लोग मापते हैं एनीमोमीटर से, सिस्मोग्राफी से भूकंप को हम मापते हैं, हाइग्रोमीटर से हम लोग आर्द्रता को मापते हैं और बैरोग्राफ से हम लोग दाब को मापते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए का 3 होगा, बी का 1 हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा और डी का क्या हो जाएगा 2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 3142। 3142 किस में? तो 3142 है यह ऑप्शन 3 में। नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर होता है, तो ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? तो याद रखना है ब्लीचिंग पाउडर, पहली बात की ये तो इंपॉर्टेंट सवाल है, और ब्लीचिंग पाउडर में होता है कैल्शियम क्लोराइड मैग्नीशियम हाइपोक्लोराइट तथा बुझे हुए चूने का मिश्रण कहलाता है क्या? ब्लीचिंग पाउडर। क्या क्या? फिर से मैं रिपीट करता हूँ, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट तथा बुझे हुए चूने का जो मिश्रण होता है वह कहलाता है क्या? ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट है प्रेशर कुकर भोजन के पकने के समय को कम कर देता है, क्योंकि प्रेशर बढ़ने के से क्या होता है दोस्तों? क्वथनांक जो होता है बढ़ जाता है, इस कारण प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी ऑप्शन वन। नेक्स्ट है क्रिकेटर गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ को नीचे करता है, यह उन्हें किस कारण से चोट से बचाता है? तो यह बचाता है संवेग संरक्षण के कारण। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू। नेक्स्ट है बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो बिहार में बड़ौनी में तेल शोधक जो कारखाना है अवस्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थ्री। नेक्स्ट है डेनमार्क की रानी ने 52 साल बाद राजगद्दी छोड़ दी, रानी का नाम क्या है? इंपॉर्टेंट सवाल है। तो रानी का नाम है मार्गरेट द्वितीय। उन्होंने 52 साल बाद क्या किया दोस्तों? राजगद्दी को छोड़ दिया। नेक्स्ट है मलेरिया के मच्छर दिन के किस समय काटते हैं? तो मलेरिया के जो मच्छर है दोस्तों दिन के किस समय काटते हैं? तो सुबह 7 बजे से 5 बजे के बीच यह मलेरिया के मच्छर जो है दोस्तों काटते हैं। नेक्स्ट है पानी के अंदर ध्वनि तरंगों का मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम बताइए। तो पानी के अंदर ध्वनि तरंगों को अगर मापना हो तो किस उपकरण का हम लोग उपयोग करते हैं? याद रखना है हाइड्रोफोन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। पीसा की झुकी हुई मीनार जिसे लीनिंग टावर ऑफ पीसा कहते हैं क्यों नहीं गिरती? तो यह क्यों नहीं गिरती है दोस्तों? याद रखना है मीनार के गुरुत्व केंद्र
यानी सेंटर ऑफ मास के बीच से ऊर्ध्वाधर रेखा मीनार के आधार के अंदर रहती है, इस कारण जो है दोस्तों पिसा की जो झुकी मीनार है वह नहीं गिरती है। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार लाइन किन दो स्थानों के बीच बिछाई गई थी, तार लाइन किन दो स्थानों के बीच बिछाई गई थी, तो याद रखना है भारत में पहली बार जो तार लाइन बिछाई गई थी वह कलकत्ता से आगरा के बीच बिछाई गई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन। नेक्स्ट है, नीचे जंगल अधिकार कानून से जुड़े हुए कथन दिए हुए कुट की सहायता से सही उत्तर का चयन आपको करना है। यह कानून जो है 2009 में पारित किया गया। इस कानून के अनुसार जो लोग कम से कम 50 साल से जंगल में रहते हैं उनका जंगल की जमीन पर हक है। तीसरा है हमारा कि जंगल बचाने का काम ग्राम सभा का है, तो 142 की अगर हम बात करें तो 142 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 142 का राइट आंसर हो जाएगा केवल ऑप्शन सी है। 142 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल ऑप्शन सी जो है सही है, यानी जंगल बचाने का काम जो है ग्राम सभा का होता है, यह बिल्कुल स्टेटमेंट सही दिया गया है। नेक्स्ट है 143, अभिकथन से और कारण से रिलेटेड सवाल दिया गया है। अभिकथन है कि लोग एक अंतरिक्ष यान में भी पृथ्वी के खिंचाव को महसूस करते हैं, कारण इसका दिया गया कि अंतरिक्ष यान पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, तो 143 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए गलत है किंतु आर सही है, यानी लोग एक अंतरिक्ष यान में भी पृथ्वी के खिंचाव को महसूस करते हैं, यह स्टेटमेंट गलत दिया गया। अंतरिक्ष यान पृथ्वी के चारों ओर घूमता है यह बिल्कुल सही है, तो 143 का राइट आंसर हो जाएगा 3, यानी ए गलत है परंतु आर सही है। पेयजल को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग व्यापक रूप से होता है, तो याद रखना है क्लोरीन का प्रयोग हम लोग जल को शुद्ध करने के लिए करते हैं और इसका प्रयोग व्यापक तौर पर किया जाता है। नेक्स्ट, भारत की किस प्राचीन नृत्य शैली को सादिर कहा जाता है, इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, VVI कर लेंगे, तो याद रखना है भरतनाट्यम को जो कि भारत की सबसे प्राचीन नृत्य शैली है इसे सादिर कहा जाता है। उस ग्रह का नाम बताइए जो सौर मंडल में अन्य ग्रहों से विपरीत दिशा में चलता है, तो उस ग्रह का नाम क्या है, तो उस ग्रह का नाम है दोस्तों यूरेनस। यूरेनस जो ग्रह है वह अन्य ग्रहों से विपरीत दिशा में गमन करता है। राइट आंसर हो जाएगा 146 का 3। नेक्स्ट है, कुछ फूलों का प्रयोग सब्जियों के रूप में होता है, निम्नलिखित में से सही का चयन कीजिए, किस फूलों का प्रयोग हम लोग सब्जी के रूप में करते हैं दोस्तों, याद रखना है किस फूल का प्रयोग हम लोग करते हैं, तो कचनार के जो फूल होते हैं उसका प्रयोग हम लोग सब्जी के रूप में करते हैं, सहजन के फूल का उपयोग भी करते हैं, केले के फूल का भी फूल का उपयोग हम लोग जो है दोस्तों सब्जियों के रूप में करते हैं। रेफ्लिसिया जो है दोस्तों इसका उपयोग हम लोग सब्जी के रूप में नहीं करते हैं, यह दुनिया का सबसे बड़ा फूल है याद रखना है रेफ्लिसिया। राइट आंसर की बात करें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नंबर क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि 200 ग्राम द्रव्यमान वाले रबड़ का एक गेंद किसी झील में पानी की सतह पर तैर रहा है, यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षणीय त्वरण का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड है तो तैरती गेंद का आभासी भार क्या होगा, तो आभासी भार आपसे पूछा जा रहा है, इसका आभासी भार क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप इसे घर पर ट्राई करेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। 149 की अगर हम बात करें तो 149 नंबर क्वेश्चन है, गंगा के मैदानी क्षेत्र में सघन जनसंख्या पाई जाती है क्योंकि, इसका रीजन पूछा जा रहा है क्यों पाया जाता है, तो यह उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है इस कारण यह सघन जनसंख्या पाया जाता है याद रखना है, और बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र भी उत्तरी जो बिहार है बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र भी है, यह भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और आज के डिस्कशन का हमारा लास्ट सवाल है दोस्तों कथन, और दो दो कथन से रिलेटेड सवाल है 150 नंबर। कथन एक है हमारा कि पर्याप्त ऊंचाई पर वायु इतनी ठंडी हो जाती है कि इसमें उपस्थित जलवा संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदों जिन्हें जल कणिका कहते हैं में परिवर्तित हो जाती है, बिल्कुल सही है कि ऊंचाई पर जब जाता है जब एक ऊंचाई पर जाने के बाद क्या होता है जलवा संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदों में कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों, ये स्टेटमेंट सही है। कथन दो है कि छोटी जल कणिकाएँ जो वायु में तैरती हैं हमें बादल के रूप में दिखाई देते, तो ये भी स्टेटमेंट सही है कि छोटी जो जल कणिकाएँ हमें दिखाई देती है वो बादल के रूप में क्या हो जाता है दोस्तों,
कन्वर्ट हो जाता है और वही हमें बादल के रूप में दिखाई देता है। राइट आंसर की बात करें तो यहाँ दोनों कथन जो हैं दोस्तों सही दिए गए हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन, इस डिस्कशन में बस आज इतना ही। यह डिस्कशन आपको कैसा लगा दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दोस्तों सेट 3 के क्वेश्चन को डिटेल में देखेंगे। आज थोड़ा मैंने डिटेल नहीं किया है दोस्तों, क्योंकि इसका डिटेल मुझे खुद ही नहीं मिला, इसी कारण मैंने इसको डिटेल नहीं किया, तो इसके लिए सॉरी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।